दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत पर राजपूतों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। मुद्दा इतना बढ़ा कि फिल्म 1.5 महीने तक रिलीज ही नहीं हो पाई थी। अब सलमान खान पर भी कुछ ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। सलमान खान फिल्म लव रात्रि से अपने जीजा आयुष शर्मा को लॉन्च करने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि लव रात्रि नाम हिंदू त्योहार नवरात्रि से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ गलत निकल रहा है। सलमान खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। विहिप का कहना है कि फिल्म में रोमांस दिखाया जाएगा, ऐसी फिल्म को वो रिलीज नहीं होने देंगे, इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं। पद्मावत के बाद अब लव रात्रि का मुद्दा गर्मा रहा है। विहिप के प्रेसिडेंट आलोक कुमार का कहना है कि देश भर के सिनेमा में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इस फिल्म से हिंदुओं की भावनाएं आहत हों। फिल्म में गुजरात के नवरात्रि सेलिब्रेशन के समय के सीन दिखाए जाएंगे। इस फिल्म से आयुष शर्मा और वरीना हुसैन डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म को डायरेक्टर अभिराज मीनावाला डायरेक्ट कर रहे हैं, जो सलमान खान की सुल्तान और शाहरुख खान की फैन में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को और बेल आइकन को दबाना ना।